समाज में सदियों से शिक्षकों को ऊंची निगाह से देखा जाता रहा है, माना जाता रहा है ईश्वर की तरह गुरुजी भी छात्रों में कोई भेद नहीं करते, उनकी नजर में उनके सारे छात्र बराबर हैं। लेकिन प्रदेश की महिला शिक्षकों को गर्ल्स स्कूल में गुरुजी की मौजूदगी नागवार गुजर रही है। शिक्षकों के खिलाफ उठी आवाज, लामबंद हुई महिला शिक्षक, सरकार से लगाई गुहार, गर्ल्स स्कूल में गुरुजी क्यों, गर्ल्स स्कूल में शिक्षक मंजूर नहीं, गर्ल्स स्कूल में प्रैक्टिकल की क्लास चल रही है, गुरुजी छात्राओं को विज्ञान की बारीकियां समझा रहे हैं, लेकिन तालीम का ये तरीका महिला शिक्षकों को नागवार गुजर रहा है। उन्हें गर्ल्स स्कूल में गुरुजी नहीं बल्कि महिला शिक्षक चाहिए। तर्क ये कि एक माँ ही बेटियों का दर्द समझ सकती है, मुश्किल में उनकी बेहतर मददगार साबित हो सकती है। गर्ल्स स्कूलें हैं, उसमें गर्ल जब पुरुष प्रिंसिपल होगा तो लड़की के साथ किसी प्रकार की भी कोई अनहोनी होती है, कोई हादसा होता है, तो उसके सामने वो खुल के नहीं बोल पाती है, खुल के नहीं बोल पाती है तो वो समस्या का समाधान नहीं कर सकता। और बहुत कम संख्या में ऐसे हादसे भी देखने को आए हैं कि जब छोटी बच्चे होते हैं उसमें अनैतिक कृत्य भी सामने आए हैं। सुना आपने, क्यों जरूरी है कल स्कूल में महिला शिक्षक? स्कूल कॉलेज में छात्राओं से होने वाली बदसलूकी की ये खबरें देश और समाज को शर्मसार करती है, अभिभावकों को परेशान करती है। इसलिए महिला शिक्षक चाहती है कि बेटियों की परवरिश और तालीम की सरपरस्ती में हो, ताकि बेटियां घर से स्कूल तक महफूज रहे। जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं गर्ल्स के साथ, जैसे प्रॉपर हाइजीन, सैनिटेशन, पीरियड्स के रिलेटेड, वो बच्चों से बात कर सकते हैं, खुल के बच्चियाँ उनसे बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें भी जो आजकल है, जो बच्चे लोग शायद मेल से बात करने में हिचकिचाएंगे लड़कियाँ, एक वो उनको अपना घर जैसा वातावरण मिलेगा, जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है वैसे ही वो टीचर्स के भी, मतलब ये उनको यही लगेगा कि टीचर्स भी उनकी माँ जैसी है, उनके परिवार जैसी है, जो उनको एक अच्छा गाइडेंस दे सकती है। माहौल पढ़ने के लिए माहौल बहुत ज़रूरी है, और माहौल फेमिलियर तब होगा जब वो अपने आप को सुरक्षित और भयमुक्त मानेगी, या अपनी जो भी अभिव्यक्ति है, जो बाहर का भी उस घर का मान लो या सड़क का मान लो, रास्ते का मान लो, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही है वो जिसके साथ इजीली शेयर कर सके। तो एक लड़की होगी तो वो महिला टीचर के साथ आ जाए, या महिला अध्यापकों के साथ, या महिला स्टाफ के साथ इजीली शेयर कर पाएगी। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है और वो छात्राओं के स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति को महिला शिक्षक चुनौती दे रही है। ये बात देखनी पड़ेगी कि वहाँ पर टीचर्स कैसे हम लोग लगाएं। बच्चियों को पढ़ाना पहली प्राथमिकता है, उसके बाद में जो जेंडर की बात आई तो वो बात की बात का विषय है। तो इस विषय पे भी हम गंभीरता से विचार करेंगे कि क्या बेहतर हो सकता है। आधी आबादी ने जिस लहजे में अपनी आवाज बुलंद की है वो क्या रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये चुनौती साफ साफ बता रही है कि गर्ल्स स्कूल में महिला शिक्षकों को शिक्षक कतई मंजूर नहीं है। बात निकली है तो दूर तलक जरूर जाएगी, क्योंकि मांग महिलाओं की ओर से आई है और आधी आबादी के हक की आवाज सरकार द्वारा अनसुना किया जाना संभव नहीं दिखता। देखना है सरकार कब जाकर महिला शिक्षकों की बात पर गौर फरमाती है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, जयपुर।